हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कि एचआरटीसी कनेक्टर का पेपर वन और पेपर टू देने वाले हैं, यानी कि एचआरटीसी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और उन सभी बच्चों को पता है कि जो एचआरटीसी कनेक्टर का एग्जाम होगा वो दो चरणों में होगा, यानी कि पेपर वन एंड पेपर टू। यानी कि सबसे पहले उनको पेपर वन का सामना करना पड़ेगा, और जो पेपर वन है उसका सिलेबस एचपीपीएससी द्वारा बता दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है और इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पेपर वन जो आपका होगा वो जस्ट एक क्वालिफाइड इन नेचर का होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप आसानी से पेपर वन को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें सिलेबस, तो एचपीपीएससी ने पेपर वन का सिलेबस बताया है कि करंट अफेयर के कुल 30 प्रश्न आएंगे, हिमाचल जीके के कुल 30 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के कुल 20 प्रश्न आएंगे और हिंदी के भी यहां पर कुल 20 प्रश्न आएंगे। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दे रहे हैं करंट अफेयर्स पे। अब देखो, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, ठीक है, तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन किस सेक्टर से आएगा, क्या डेट से आएगा, क्या स्कीम्स से आएगा, क्या इंटरनेशनल से किसी भी एक टॉपिक से आ जाएगा, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं अभी हाल ही में कि वो सुबह उठ के करंट अफेयर पढ़ता है वो, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मणिकरण में क्या हो रहा है, सॉरी मणिपुर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसको पता नहीं लग रहा है कि मैंने करंट अफेयर को कैसे टैकल करना है, क्योंकि जो बच्चा एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम दे रहा है मुझे लगता है कि वो पहली बार करंट अफेयर को फेस करेगा वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और इतने सभी एग्जाम्स जो कि क्लास 3 के अंदर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर करंट अफेयर का जो वेटेज होता है वो कम होता है। लेकिन इस बार करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज है कि सर करंट अफेयर हमने पढ़ना कैसे है, क्या हम डेली पढ़े उसको, क्या हम सब कुछ ही पढ़े। अगर बच्चा करंट अफेयर को ही पढ़ता रहेगा तो हिमाचल जीके को वो स्किप कर देगा, इंग्लिश को वो स्किप कर देगा और हिंदी को वो स्किप करेगा कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको पता ही नहीं है कि पेपर वन एक क्वालिफाई नेचर का है, जो फाइट होगी वो पेपर टू में होगी, समझ गए। तो बच्चा आज के समय में करंट अफेयर पर ध्यान दे रहा है और वो जीके पर ध्यान नहीं दे रहा है जो कि पेपर टू में पूछी जाएगी, क्लियर है बात। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या रहे, अगर आपकी रहेगी तो आप पेपर वन को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, तो आपको करंट अफेयर कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना कि सुबह आपने पढ़ा तो सब कुछ ही पढ़ लिया, ठीक है, आपने इंटरनेशनली पढ़ लिया, नेशनल पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, सब कुछ ही पढ़ लिया, नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। और अगर हम बात करें एचपीपीएससी की, तो वो लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर पूछेगा आपसे, यानी कि आपको दिसंबर को भी इंक्लूड करना है और दिसंबर से पढ़ते हुए आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो उस मंथ तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा, अगर आप वो टॉपिक कवर कर लेते हैं तो कम से कम मान के चलो कि 30 में से आपके 15 तक क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं, समझ गए। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो अगर हम बात करें टॉपिक्स की, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख के लेके आया हूं ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट मतलब जस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आपने सभी कुछ ही पढ़ लेना, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मेरा अनुमान है कि कम से कम 60 से लेके 70 डेट्स होंगी, सॉरी डेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेज होंगे। महिला दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, तो चलो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं और बच्चा आजकल उसको भी पढ़ रहा है वो, ठीक है, तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं, क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपको कौन कौन सा जो सेक्टर है वो कवर करना है, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं। देखो, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट
डेट्स पढ़नी है, जैसे कि एनआरआई डे, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी दिवस हो गया, जैसे कि महिला दिवस हो गया, और ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इनकी थीम क्या थी, तो इंक्लूडिंग थीम आपको ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको थीम देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग थीम। पहला तो ये टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स, कौन सा पढ़ना है, स्पोर्ट्स, ठीक है, क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है। अब स्पोर्ट्स में कि कौन कौन सा मेडल किस किस व्यक्ति ने जीता है और किस खेल में जीता है, तो आपको जस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो नागरिक अपने भारत का होना चाहिए, ठीक है, तो इतने मेडल तो होंगे नहीं, तो जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मेडल्स है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट गेम्स है, उन्हीं के आपको यहां पर नाम पढ़ने हैं, और कौन सा मेडल जीता है और किस खेल में जीता है, यानी कि किस टूर्नामेंट में जीता है, तो वो आपको याद रखना है, क्लियर है। अब तीसरा है यहां पे रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग यानी कि भारत की रैंकिंग क्या रही है, ठीक है, तो ये इस पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, तो रैंकिंग टॉपिक आपको याद रखना है। उसके बाद है आपके पास कुछ ऐसी चीजें, सॉरी, इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनल में आपको वही न्यूज पढ़नी है जहां पर भारत का नाम आए, ठीक है, जहां पर भारत का नाम आए, ऐसी न्यूज जहां पर भारत का नाम आए आपको जस्ट वही इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करना है, समझ गए। अच्छा, इसके अलावा देखो, एक मिनट, अच्छा हां, डिफेंस, ठीक है, पांचवा टॉपिक है, मैं यहां पे लिखता हूं, पांचवा टॉपिक है आपके पास डिफेंस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो इसरो है, तो वो भी काफी सारी जो हम कह सकते हैं रॉकेट्स, ठीक है, या फिर सैटेलाइट, उनको वो समझ रहे, तो कौन सी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस में काफी सारे, जैसे कि कुछ जो है वो प्रैक्टिस होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ, तो उस प्रैक्टिस का नाम भी होता है, समझ लीजिए। अगर हम बात करें भारत और यूएस की जो प्रैक्टिस होती है, युद्ध अभ्यास होता है, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, समझ गए, तो युद्ध अभ्यास का नाम भी आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। आगे चलेंगे, यस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक है आपके पास, अवार्ड्स, कौन सा है, अवार्ड्स, ठीक है, तो अवार्ड्स कौन कौन से इंपोर्टेंट जो कि हमारे भारत में मिले हैं, तो वो आपको याद रखना है। अब इंडिया के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बाहर जाके, यानी कि फॉरेन कंट्रीज भी अवार्ड देती है, तो उनके नेम प्लस अवार्ड का नेम ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, यस। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कुछ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करती है, और उस मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का काम क्या है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हो, तो ये सेक्टर भी आपको कवर करना है, समझ गए, ठीक है। चलिए, बाकी तो लगभग हो गया है, तो अगर आप इन सेवन टॉपिक्स, कितने टॉपिक हुए, सात टॉपिक, अगर आप इन सात टॉपिक्स को कवर करोगे, तो कम से कम मान के चलो 15, चलो ठीक है 15 तो नहीं होंगे, मान के चलो कि कम से कम 10 से लेके 15 के बीच बीच में करंट अफेयर आपसे जरूर निकलेंगे, समझ गए, क्लियर है। इसके अलावा जैसे कि भी हाल ही में लास्ट ईयर क्या हुआ था, ओलंपिक गेम्स हुए थे, ठीक है, तो उनका डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कितने कितने मेडल जो है वो जीते गए थे, किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर जीता,
किस गेम में जीता, तो वो भी आपको पढ़ना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर जो करंट अफेयर लिखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसके अलावा स्टेट का भी पूछा जा सकता है। और स्टेट में अभी हाल ही में बजट लॉन्च किया है, तो बजट से भी क्वेश्चन यहां पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बजट को मैं यहां पर लिखता हूं, तो आपने बजट को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, आपको बजट को भी इंक्लूड करना है, हिमाचल प्रदेश का बजट। समझ गए? और हो सके तो जो बजट पेश किया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो अगर आप करंट पे पढ़ रहे हो ना, तो ये चैप्टर पढ़ो, यानी कि ये टॉपिक पढ़ो आप, जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स और उनकी थीम क्या थी, इसको पढ़ो। स्पोर्ट्स पढ़ो, ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ था, अभी कौन कौन सी गेम कहां कहां पर हुई है, समझ गए। उसके अलावा यहां पर देखो रैंकिंग, हमारे भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, जब रैंकिंग इंडेक्स देखा जाता है, तो वो सभी कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो उस सभी कंट्रीज में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यहां पर देखो इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल में आपको बस वही न्यूज पढ़नी है, वही करंट अफेयर आपको पढ़ना है जहां पर भारत का नाम आए, समझ गए। उसके अलावा यहां पर डिफेंस के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, क्लियर है। अब दूसरा अवार्ड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, चाहे वो भारत के अंदर मिला हो चाहे वो भारत के बाहर मिला हो। जैसे कि आपको बताया कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, ठीक है, उन्होंने भी काफी सारे जो अवार्ड्स है वो वितरित किए हैं, ठीक है, क्लियर है, तो वो भी आपको बताना चाहिए, समझ गए। इसके अलावा देखो यहां पर सेंट्रल एंड स्टेट में जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का एक पीछे मकसद होता है, तो किसके लिए और कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन का नाम तक पूछा जाता है इस एग्जाम में, यानी कि करंट अफेयर में, ठीक है। इसके अलावा बजट को भी आपने कवर करना है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का बजट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका होगा करंट अफेयर को पढ़ने का। अगर आप डेली पढ़ रहे हो सुबह उठ के, ठीक है, ऐसे पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। अगर आप दिसंबर से उठा के, फिलहाल आपने क्या करना है कि दिसंबर से उठा के अप्रैल में, अब जो अभी लास्ट आपका मंथ हुआ है अप्रैल तक, तो दिसंबर टू अप्रैल तक आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, क्लियर बात है। क्योंकि करंट अफेयर तो आते रहेंगे ना, डेली पढ़ोगे तो इतना सारा करंट अफेयर हो जाएगा आपके पास, तो यहां पर भी उठाना कि नहीं उठाना, ठीक है, यहां पर भी हमने स्टोर करना है। अच्छा, ये बात होगी करंट अफेयर की, आगे हिमाचल जी के। अब करंट अफेयर में आप इतना स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो तीन सेक्शन है यहां पर आप बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ करंट अफेयर एक नई चीज है, लेकिन आप सभी हिमाचल जी के इंग्लिश और हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, समझ गए। तो आप हिमाचल जीके में 30 में से 30 नंबर भी ले सकते हैं। अब देखो ये HPPSC है, ये कोई बोर्ड नहीं है, या फिर ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है ये, ठीक है। HPPSC को पता है कि अगर मैंने HS का पेपर डालना है तो उसका मैंने लेवल कैसा रखना है, उसको पता है कि अगर मैंने नायब तहसीलदार का एग्जाम निकालना है तो उसका मैंने सिलेबस कैसे रखना है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल कैसे रखना है। उसको पता है कि अगर मेरे पास अभी क्लास 3 की जॉब्स आई है, यानी कि मेरे हैंडओवर की है कि मैं रिक्रूटमेंट करवाऊं, तो उसके लिए मुझे किस लेवल के क्वेश्चन इनको देने हैं, तो ये सब कुछ HPPSC को पता होता है, समझ गए। जिसका काम ही पेपर डालना है तो उसको पता होगा कि HRTC कंडक्टर की भर्ती है तो उसको उसी लेवल के क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है। अगर HPPSC HAS और HRTC कंडक्टर वाले जो बच्चे होंगे, अगर उनके सिलेबस में या फिर उनके क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस नहीं रखेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फिर बोर्ड है, या फिर कुछ समझदार लोग इस बोर्ड में बैठे हुए हैं। IAS बैठता है सबसे ऊपर, पता है आपको, और IAS को पता है कि जब मैं IAS बना था तो मैंने किस लेवल के क्वेश्चन को पढ़ के मैं गया था, और ये HRTC कंडक्टर है तो इनको मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो देने हैं,
समझ गए? ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे हिमाचल जीके के। तो अगर आपके हिमाचल जीके बड़े अच्छे हैं तो आप 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आप तुक्के लगा के नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट अफेयर पे फोकस करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस करो, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिमाचल जीके पे और हिंदी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में जो वोकैब होती है, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, वैसे देखने को हमको लगता है कि बड़े आसान है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बीच में बैठे हुए मुहावरे और पर्यायवाची, और जब वो एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर हम पानी पानी हो जाते हैं, मतलब हम उनको सोल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी ना, फिर तुक्का तो हम लगा नहीं सकते। अगर हम 100% श्योर होंगे तब जाके हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हिमाचल जी के इंग्लिश पर विशेषकर आपको फोकस करना है कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन डाल दे वो मेरे नजर से गुजरा होना चाहिए, समझ गए? अब दूसरी बात क्या है कि बच्चा जो हिमाचल प्रदेश का है वो मैक्सिमम डरता है तो वह इंग्लिश से डरता है। ठीक है, किससे डरता है? इंग्लिश से डरता है। ठीक है, तो आपके इसी डर को दूर भगाने के लिए हमने फ्री क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, काफी सारी क्लासेस वहां पर कंप्लीट हो चुकी है, बस इक्का दुक्का क्लासेस वहां पे पेंडिंग है। ठीक है, तो वो भी आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, तो आपके इसी डर को दूर भगाने के लिए हमने फ्री क्रैश कोर्स अपने इस ग्रेड अप स्टडी चैनल पे लॉन्च किया था, जो कि मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला चैनल होगा जिसने कोई फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट से बच्चा डरता है। समझ गए? क्लियर है? करवाने को तो मैं हिमाचल जीके करवा सकता हूं, लेकिन जिस बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट सॉरी वीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस सब्जेक्ट पर, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर उन बच्चों का फोकस लेके आऊं और उस सब्जेक्ट के पीछे जो डर है वो मैं दूर भगाने की कोशिश करता हूं। समझ गए? तो इस कारण से हमने इंग्लिश का फ्री क्रैश कोर्स अपने इस ग्रेड अप स्टडी चैनल पर लॉन्च किया था। अगर हम बात करें हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी हमने ऑलरेडी पहले कवर कर दी है, काफी अच्छे तरीके से हमने कवर की है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से है, हिंदी एचपी पुलिस कांस्टेबल, सेम एज इट इज आपको पढ़नी है। ठीक है, हिंदी कभी भी चेंज नहीं होती। यहां पर अगर संधि के क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो संधि का क्वेश्चन आपके एचआरटीसी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी वो पढ़नी है। प्लेलिस्ट कौन सी होगी? हिंदी एचपी पुलिस कांस्टेबल, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है। समझ गए? तो मेरा आपसे सीधी सी बात है, करंट अफेयर आप 30 में से 30 मार्क्स नहीं ले सकते, आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने यहां से कम 10 नंबर तो मैंने लेने ही लेने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन मैंने करने ही करने हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से निकल जाएंगे। क्लियर बात है? तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए यहां पर करंट अफेयर के। अगर आपकी हिमाचल जी की बड़ी अच्छी है तो मैं आपको नहीं बोलता कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप करके आओ, क्योंकि आपको वहां पर तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप हिमाचल जीके को अच्छे से करोगे ना, तो कम से कम आपको 17 तक, या फिर मैं हाफ मार्क्स लेके चलता हूं, यानी कि 15 क्वेश्चन आप सही करके आओगे तो 15 नंबर आप हिमाचल जीके से लेके आ रहे हो। मैं मिनिमम नंबर ले रहा हूं यहां पे, आप 15 से ज्यादा भी सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि यहां पर आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सही करे। आगे देखो, आगे है इंग्लिश। अब देखो जिस प्रकार से हमने इंग्लिश को कवर किया है ना, मुझे लगता है कि जो हमने क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया था यूट्यूब चैनल पे, तो वो आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर हमने थ्योरी वाला पार्ट किया है, देन हमने रूल्स डिस्कस किए हैं, देन लास्ट में हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लगाए हैं वहां पर कि आपको कौन सा तरीका लगाना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। समझ गए? तो कम से कम आपके मैं मान के चलता हूं कम से कम 12 क्वेश्चन आपके
इंग्लिश के भी यहां पर सही होने चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी है। और लास्ट हिंदी। अब हिंदी कैसा सब्जेक्ट है, आप 20 में से यहां पर 15 नंबर भी लेके आ सकते हैं और 20 में से 20 नंबर भी यहां पर लेके आ सकते हैं। मैं यहां पर लेके चलता हूं कुल 13 नंबर। कितने? 13 नंबर। ठीक है, तो प्लस करो कितने बने, ये आपके बन गए कितने, 10, 20, 25, 30, 40, 50। यहां पर आपके 50 नंबर बन गए हैं। आउट ऑफ 100 आपके यहां पर 50 नंबर बन रहे हैं। देखो 13 है ना, 3, 2, 5 हो गए। ठीक है, 10, 20, तो यहां पर 35 नंबर ये हो गए, 35 और 15 40 हो गए और 10 ये हो गए, तो 50 नंबर आपके बन रहे हैं। बिल्कुल सही सही, मैंने बस मिनिमम मार्क्स लिए हैं आपसे। 10 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं करंट अफेयर से, और वो कैसे होंगे अगर आप इन 7 टॉपिक को पढ़ोगे इंक्लूडिंग बजट, हो जाएंगे, हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ना, हो जाएंगे अगर आप टॉपिक पर पढ़ोगे तो हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हिमाचल जी के 30 प्रश्न आ रहे हैं, मैंने यहां पर सिर्फ 15 काउंट किए हैं कि आप कम से कम आधे क्वेश्चन तो करके आ रहे हो, क्योंकि हिमाचल जी के बड़ी ही आसान पूछी जाएगी। और अगर हम बात करें कि आपको हिमाचल जी के कैसे पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी वाला पार्ट कवर करना है। ज्योग्राफी को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, हिस्ट्री को चाहे मत पढ़ो लेकिन ज्योग्राफी को आप पढ़ के ही जाना। और अगर आप ज्योग्राफी प्लस 12 जिलों की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 30 में से आपके 20 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, समझ गए। तो अगर आप इतना हिमाचल देख के पढ़ के जाते हो, पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है और 12 जिलों की आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे हिमाचल जी के आउट ऑफ 30। ठीक है, और अगर हम बात करें इंग्लिश, तो मुझे लगता है कि कम से कम आधे नंबर तो सभी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 16 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 नंबर ले लेते, सभी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा और मेहनत करते हो, क्योंकि हमने भी फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा, समझ गए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप 20 में से कम 12 नंबर तो लेके आ ही सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहां पे 12 नंबर नहीं लेके आ सकते, तो मैं यहां पर 10 कर देता हूं। मान लेते कि आपकी हिंदी सॉरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, जो मर्जी करो नहीं होगे, मान लेते हैं कि आप 20 में से 10 नंबर लेके आ रहे हैं, कम से कम आपकी हिंदी तो स्ट्रांग है ना, आपकी हिंदी तो स्ट्रांग है फिर, समझ के। तो 20 में से कम 15 नंबर तो आपके आने चाहिए फिर, किसके, हिंदी में। तो यहां पर आपके 13 की बजाय 15 नंबर आपके हिंदी के आने चाहिए फिर। ठीक है, तब भी आपको अगर प्लस करेंगे ना इनको, तब भी आपके 50 नंबर बनेंगे। और आपको 35 नंबर चाहिए थे, मान लेते हैं कि 5 नंबर मैंने फिर माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, कितने बचे, 45। फिर भी आप इस एग्जाम को काफी आसानी से क्रैक कर रहे हो, समझ गए। और यहां पर मैंने सबसे कम नंबर लिए हैं करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर को प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां तक हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं दिसंबर मंथ से, समझ गए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर वन को क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। और ध्यान रखना कि सेम डे पेपर होगा, पेपर टू के लिए आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, सेम डे पेपर होगा, मॉर्निंग में पेपर वन होगा और इवनिंग में पेपर टू होगा। तो आपको पेपर टू का जो सिलेबस है, बेशक एचपीपीएससी ने नहीं बताया आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जीके पूछी जाएगी, 101% पूछी जाएगी, क्लियर है। तो आपको पेपर टू की भी तैयारी करनी है, क्योंकि फाइनल मार्क्स जो जुड़ेंगे वो पेपर टू के ही जुड़ेंगे, समझ गए। बस इतना मैंने आपसे कहना था, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम सभी का अच्छा जाएगा, ठीक है, बस मेहनत करो आप, क्लियर है। बाकी जितना हमसे होता है, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। हम सबसे पहले
उस सेक्टर को देख रहे हैं जहां पर बच्चे को कमी महसूस होती है। जैसे कि मैंने देखा कि करंट अफेयर सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा जब पढ़ रहा है ना, उसको पता नहीं है कि करंट अफेयर को हमने कैसे पढ़ना है, कैसे टैकल करना है, क्योंकि सभी जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे पढ़ा रहे हैं डेली, जो भी आ गया सभी डे आ गए, ऐसा डे फलाना डे ढिका डे। लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में डेटा मतलब एक बोझ बन जाएगा कि मैंने इतना करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। इससे अच्छा ये है कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, लेकिन वो लिमिटेड चीजें आपके माइंड में जानी चाहिए। समझ गए, क्लियर है? तो इन बातों का आपने ध्यान देना है। बाकी ग्रेड अप स्टडी आपके लिए हमेशा खड़ा था, 2 साल पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, ठीक है? बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।